अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर है स्टॉप इट। अगर आपके मोबाइल के अंदर भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ सलूशन बताऊंगा, उसकी मदद से आप लोग इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सोल्व कर सकोगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी सेटिंग ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट, तो इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले सर्विस। तो यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस आ चुका है, तो इस गूगल प्ले सर्विस पर टाइप कर लीजिए, स्टोरेज पे टाइप कर लीजिए, यहाँ से इसका डेटा क्लियर कर लीजिए और कैश भी क्लियर कर लीजिए। तो डेटा और कैश दोनों में क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से वापस बैक आ जाइए। बैक आने के बाद गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और यहाँ से भी दोस्तों इसका स्टोरेज जो है वो क्लियर कर लीजिए, कैश भी क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। और तीसरा सोल्यूशन क्या है, प्ले स्टोर पर आ जाइए। प्ले स्टोर पर आने के बाद टॉप टू राइट पर आपके प्रोफाइल के एक लोगो शो हो जाएगी, तो इस लोगो पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर टाइप कर लीजिए। सेटिंग पर टाइप करने के बाद सबसे नीचे आपको अबाउट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस अबाउट पर टाइप कर लीजिए और सबसे नीचे आ जाइए अपडेट प्ले स्टोर, इस पर टाइप कर लीजिए और यहाँ से अपना प्ले स्टोर जो है वो अपडेट कर लीजिए। तो गाइस इसी तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।